पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, बॉम्बे के अंदर फर्स्ट कॉटन मिल कब इस्टेब्लिश हुआ, 1854। सेकंड क्वेश्चन था, अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल कब इस्टेब्लिश हुआ, 1861। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मद्रास में स्पिनिंग और वीविंग मिल, स्पिनिंग और वीविंग समझते हैं, स्पिनिंग और वीविंग मिल कब स्टार्ट हुआ, 1874। शाबाश। तो ये वन मार्क्स की क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। फिर एक इंग्लैंड में कब इस्टेब्लिश हुई सबसे पहली टेक्सटाइल मिल्स, अभी पूछा था 1730s में। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टर्म होता है जो वन मार्क में बाय चांस आ सकता है। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो मींस प्री, है ना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ए व्हेन गुड्स एंड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, ऑप्शन बी व्हेन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द होम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, व्हेन फैमिलीज यूज देयर फुल पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। चलो तो ये बी सही है। चलो अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूछता हूं, चलिए व्हाट इज मैनचेस्टर फेमस फॉर, कॉटन टेक्सटाइल्स, है ना, वेयर इज मैनचेस्टर सिचुएटेड, इन विच नेशन, इंग्लैंड, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। अच्छा देखते हैं कौन बताएगा, व्हाट आर ट्रेड गिल्ड्स, ये तो काफी चैप्टर्स में आ चुका क्वेश्चन है, काफी चैप्टर्स में हम इस सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड गिल्ड्स क्या होते हैं, बोलो। दिस इज द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ यू, यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड यू थिंक दैट यू आर राइटिंग राइट। बैठो, देखो समझो, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना, ठीक है। तुमने कहा कि इन जिल्ड इफ अ न्यू ट्रेडर वांट्स टू एंटर इन दैट ट्रेडिंग ग्रुप और इन दैट प्रोडक्ट्स मार्केट और प्रोडक्ट्स ग्रुप, ही और शी नीड्स टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ द जिल्ड, है ना। तो यू आर एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द न्यू ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट वाट यू आर आस्क्ड वाट इज जिल्ड, योर आंसर इज इनकरेक्ट, आपका आंसर सही नहीं है, समझे। तो ये समझने की जरूरत है, तुम क्या लिख रहे हो, तुमको पूछा क्या है, तुम लिखते क्या हो, और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, तो तुम क्या लिखो, तुम लिखो, तुमको पूछा जा रहा है व्हाट आर जिल्ड्स, ठीक है। चलो तुम बोलो, देखते हैं तुम क्या बोलते हो जी, एसोसिएशन ऑफ, एन एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स हु रेगुलेट्स कंपटीशन इन प्राइसेस एंड हु रेगुलेट्स देयर प्राइसेस, देयर क्वांटिटी, देयर क्वालिटी, ठीक है, एंड देयर इज फ्यू रिस्ट्रिक्शंस फॉर द न्यू ट्रेडर्स, फुल स्टॉप। अगर आप इसको ज्यादा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, न्यू ट्रेडर्स नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ गिल्ड बिफोर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेड, है ना। बैठो, आपके ऊपर है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, है ना। ऐसा नहीं कि तुमने जो बोला वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो सटीक आंसर भी नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ये समझ लिए तो तुम्हारे सारे आंसर सही हो जाएंगे, एकदम टू द पॉइंट लिखो, क्या पूछ रहा है वही लिखो। चलो एक एग्जांपल था, फिर देखिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बुक की भाषा में क्या है, मैं पढ़ देता हूं, एक बार सुनिएगा, बुक पलटने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़, देखो अच्छा बोलो, पढ़ने से ज्यादा याद होता है कि सुनने से, कैसे पता, सुनो मैं पढ़ता हूं,
Proto-industrialization refers to the early phase of industrialization in Europe and England, ठीक है, where production was mainly done by hands. तो यूरोप और इंग्लैंड क्यों कहा गया है, यूरोप और फ्रांस क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि यूरोप जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई किस देश से? लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर कौन था? सबसे ज्यादा कॉलोनी जिसके पास थी, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो यूज कर रहा था और दूसरे देशों के एक्सप्लॉइट कर रहा था, वो कौन था? तो उसी का देश डेवलप हुआ. चलो देखते हैं कौन बताता है. Why the merchants from towns in Europe began to move countryside in 17th and 18th century? हाथ उठाइए. क्वेश्चन सुनिए. Why the merchants from towns in Europe began to move countryside? Countryside माने villages. Countryside माने तो countryside माने villages in 17th and 18th सेंचुरी. तो टाउन से ये लोग कंट्री साइड मतलब विलेज में क्यों गए? कौन गए? मर्चेंट्स. बोलो क्यों गए, बोलिए. चलो अंकित हाथ उठाया. हाँ जी बोलो. ये बात तुम्हारी सही है, कंट्री में नहीं, कंट्री मतलब विलेज है ना, सिटीज में. हाँ तुम्हारा पहला पॉइंट सही है, गलत नहीं है, बट शाबाश, बहुत अच्छा. चलो तुम भी बोलो. और वर्कर्स का जो प्रॉब्लम था सर, तो गांव में जाकर के गांव के लेबर्स से काम करवाते थे और उसे लाकर के. यह आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है, बैठो. तो पहला पॉइंट तुमने बोला कि वो इसलिए गए क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे शहरों में कुछ यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्हीं को मोनोपोली राइट्स थे वहाँ बिजनेस करने के. दैट इज कॉल्ड मोनोपोली. मोनो माने सिंगल, पोली माने सेलर, मोनोपोली है ना, ऐसे ड्यूओपोली भी होती है. तो मोनोपोली राइट्स थे. अब जब ये सारे लोग जब वहाँ पर वो रहते थे तो अब उन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करो, यहाँ नहीं मिल रहा है, चलो गांव में जाएंगे, कंट्री साइड में जाएंगे. तो आप पीजेंट और आर्टिसन से अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा लेंगे. तो इससे दोनों को फायदा हुआ, ये था. चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रेड जिल्ड भी एक्सप्लेन किया गया है कैसे. एसोसिएशन ऑफ ट्रेड ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल कॉमा रेगुलेटेड प्राइसेस कॉमा रेगुलेटेड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, एंड मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन. बाकी आप जो भी लिखो, आपको अगर लगता है सटीक आंसर है, अच्छा आंसर है, आप लिख सकते हो. अगला क्वेश्चन बहुत ईजी, जो आपने क्लास सिक्स के साइंस में पढ़ा होगा, पढ़े होगे ना, कार्डिंग, स्टेपलिंग, डाइंग पढ़े हो ना आप लोग. तो Who is a stapler? Who sorts? S-O-R-T-S. Sorting means अलग अलग करना. Who sorts and staples the wool? शाबाश. या fiber, ठीक है, wool according to its fiber, ठीक है, fuller, carding, ये सब जानते हो आप लोग. Yes, sir. इसके बाद है Who created first cotton mill? Richard Arkwright. देखो मृत्युंजय भी पढ़ रहा है अब, है ना, या पता नहीं शायद उसके सामने किताब में खुला हुआ होगा, हो सकता है इसलिए देख के बोल दिया, है ना. जो भी है, चलो बोला तो सही, बोला तो वही ना, चलो ठीक है. अच्छा हुआ. हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी? जेम्स हार्ग्रीव्स, है ना, जेम्स हार्ग्रीव्स, हार्ग्रीव्स नहीं, जेम्स हार्ग्रीव्स, राइट, ठीक है, शाबाश. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम एन एमिनेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट. सबसे पहले देखिए, एक मिनट, बुक नहीं देखिए, पहले आप लोग बुक बंद करिए, तो पहले आप लोग सब बुक्स बंद करिए. इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, तो आप मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे
बस पेज पलटने में लगे रहेंगे कि कहाँ पे क्या मिल जाए, है ना, इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है नेम एन एमिनेंट, एमिनेंट माने इम्पोर्टेंट, एमिनेंट माने इम्पोर्टेंट। तो नेम एन एमिनेंट प्री कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल, कॉलोनियलिज्म के पहले का पोर्ट, पोर्ट माने एयरपोर्ट, एयरपोर्ट होते थे उस समय कॉलोनियल, कॉलोनियलिज्म के पहले। पहला एरोप्लेन कब उड़ाया गया? राइट ब्रदर्स उड़ाया गया का आंसर है। पहला एरोप्लेन उड़ाया गया 1903 में, 1903 में, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने बनाया, ये बात सही है। चलिए तो आगे देखते हैं, हु स्प्रिंग, तो ये हमने बात कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ नेम एन एमिनेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट, मतलब एमिनेंट माने इम्पोर्टेंट। सूरत हो सकता है, मसूलीपट्टनम हो सकता है। नेम टू, चलो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हो सकता है नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए। नेम टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच वर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश टू डिक्लाइन सूरत एंड मसूलीपट्टनम, बॉम्बे एंड कोलकाता। शाबाश, उस समय कलकत्ता था, कोलकाता नहीं, कलकत्ता। कोलकाता तो हम लोगों ने नाम रखा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमस्ता, 2018 सेट सी में आया हुआ, आपको याद है गोमस्ता कौन होते थे? कौन कौन बता सकते हैं, आप उठाइए। चलो तुम बताओ। हाँ, गोमस्ता वाज अ पेड सर्वेंट अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू गेट द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। शाबाश, एकदम इसका आंसर नहीं काटा जा सकता, एक एक शब्द सही है, है ना, बात सही, ग्रामेटिकली भी सही है, मीनिंग भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसने अपॉइंट किए थे गोमस्ता? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस चैप्टर में अब हम मुगलों के बारे में तो पढ़ते नहीं है वैसे भी, है ना, तो ब्रिटिश ने अपॉइंट किए थे क्या काम के लिए? वीवर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब इसी है जी, हाँ, एग्जामिन द क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स, टेक्सटाइल कह सकते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, हु वर जॉबर्स, हाथ उठाइए, बताओ, सिंपल क्वेश्चन है जी। अच्छा एक बात बताओ, जॉबर, जॉबर जो जॉब, सिंपल है, जो जॉब प्रोवाइड करे, तो जॉबर कौन थे? जो लोगों को लेके जाते थे कंपनी में, जॉब देते थे, वो जॉबर थे। जॉबर से दे कमीशन लेते थे, ब्राइब लेते थे, है ना, बात सही। जो इंसान खुद जॉब करता था वो अपने बेटे को जॉब लगवाने के लिए भी क्या करता था? ब्राइब देता था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम। हाउ डिड द सीजनैलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंग्लैंड? सीजनैलिटी, जो लोग, सब लोग समझो अच्छे से, सीजनैलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने अभी तक कितनी बार पढ़ा है, एग्रीकल्चर में भी पढ़ा है सीजनल इंडस्ट्रीज के बारे में, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है सीजनल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो अपने यहाँ कौन सी इंडस्ट्री सिंगल इंडस्ट्री है, सॉरी सीजनल इंडस्ट्री है,
कौन सी इंडस्ट्री अपने यहाँ सीजनल इंडस्ट्री है बोलो? जूट भी है, सुगर केन भी है, और बोलो फायर क्रैकर्स भी सीजनल इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही बात है, और बोलो, चलो बहुत है, कितना बोलोगे? राइस मिल भी सीजनल इंडस्ट्री में है, क्योंकि राइस सालों भर तो होता नहीं है, एक पर्टिकुलर एक महीने राइस मिल चलती है, डेढ़ महीने चलती होगी या हार्डली, चलो ढाई महीने बोल लो, है ना, लेकिन है तो सीजनल ही ना। नहीं सही बात है, सही बात बोल रहा है, उसने देखा है तब बोल रहा है, तो ढाई महीने तीन महीने चलती है, चलो मान लो बहुत बहुत है, दो ढाई महीने में मोस्टली काम कंप्लीट होता है, तो सीजनल तो है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन है कि हाउ डिड द सीजनैलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंग्लैंड। मतलब 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में भी कब? 18th सेंचुरी में। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर एज अ स्टूडेंट अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं लिख दूंगा। देखो कैसे, दिमाग लगाओ, जहां पर सीजनैलिटी होगी वहां पे वर्कर के साथ क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं? एक पर्टिकुलर सीजन के बाद क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एक पॉइंट मैं यही बना दूंगा, इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड वर्कर्स इन सीजनल फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज गॉट अनएम्प्लॉयड आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। लिख सकता हूं मैं एक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक बात बताओ, जब सिटी में काम ही नहीं होगा तो दो बातें होंगी, जब सिटी में काम नहीं होगा या कहीं पे भी जब जॉब नहीं होगा तो दो बातें होंगी, क्या? पहली बात, या तो वो व्यक्ति अगर शहर में होगा तो गांव चला जाएगा, गांव में होगा तो शहर चला जाएगा, है ना, सही बात, तो माइग्रेशन होगा। क्या होगा? माइग्रेशन, ठीक है, दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट है कि वो लोग कोई छोटे मोटे काम देखेंगे, ओड जॉब्स जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ओड जॉब्स। ओड जॉब माने छोटे मोटे काम, है ना, बात सही। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, दी अपर क्लास इन विक्टोरियन ब्रिटेन, अपर क्लास मतलब एलीट क्लास, हाई क्लास, दी अपर क्लास इन विक्टोरियन ब्रिटेन प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, व्हाई? दो बार पूछा गया क्वेश्चन और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से समझाया था। उसका टेक्सचर अच्छा होता था कपड़े का, वो एक्सक्लूसिवली बना हुआ होता था, वो डिजाइन वो पैटर्न कॉमन नहीं होता था, उसकी क्वालिटी बेटर होती थी, इसलिए लोग हैंड से बने हुए। हमने पढ़ा था ना कि हैमर ही कितने तरह की बनती थी, हैमर ही कितने तरह का प्रोड्यूस होता था, है ना, तो उसमें जो है वो आपको डिजाइन टेक्सचर वैरायटी बहुत मिलती थी। भले ही इंग्लैंड में मैनचेस्टर डेवलप हो गया था, लेकिन फिर भी वहां के जो एलीट क्लास थे दे प्रिफर्ड प्रोडक्ट्स मेड बाय हैंड बट नॉट बाय, लिख लोगे? देखो क्या लिखता है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सिंबलाइज्ड रिफाइनमेंट एंड क्लास। क्लास माने केवल क्लास नहीं होता, क्लास माने क्लास भी होता है ना, समझे? सेकेंड पॉइंट, दे वर बेटर फिनिश्ड, उनकी फिनिशिंग कैसी होती थी? बेटर, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड। हमने इसके बारे में प्रिंट कल्चर में भी पढ़ा था, बुक के चारों तरफ बॉर्डर छोड़ दिया जाता था, वहां पे क्या होती थी? डिजाइनिंग होती थी, पेंटिंग होती थी, और जो भी व्यक्ति उस बुक को खरीदते थे, दैट पर्सन बिलीव्ड दैट दिस इज द एक्सक्लूसिव कॉपी विच इज ओनली अवेलेबल विथ मी बट नॉट विथ एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, सो दिस इज एक्सक्लूसिव कॉपी व्हाट आई एम हैविंग। ये फीलिंग होती थी हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ। आपके संविधान में भी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के चारों तरफ जो बॉर्डर है, रामायण का भी परिदृश्य दिखता है संविधान पर, जो पहली संविधान जो प्रिंट हुई थी उस पे रामायण का परिदृश्य है, ओरिजिनल
जो संविधान था, और चारों तरफ उसके जो बॉर्डर है उसके ऊपर हाथ से, चारों तरफ जो बॉर्डर है उसको हाथों से उसको कलाकृति बनाई हुई है, और उस पर रामायण के सीताराम भी छपे हुए हैं सन्यासी के रूप में, है ना। तो आगे देखिए, सन्यासी मतलब तपस्वी जिस रूप में वो बन गए थे। चलिए आगे देखिए, अगला अगला पॉइंट, मशीन मेड गुड्स वर चीप एंड वर फॉर एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज, है ना। तो मशीन मेड जो गुड्स होते थे वो चीप होते थे। आज जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो क्यों रोल्स रॉयस खरीदते हैं, सोचने वाली बात है, या क्यों लोग हैंडमेड होता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसकी एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड होती हैं, या फिर भी लोग मर्सरीज़ वगैरह भी अभी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जो चीज़ रहे वो एक्सक्लूसिव रहे। तो ये थिंकिंग होती है, उस समय में भी लोगों के अंदर ये थिंकिंग हुआ करती थी। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्ले इन द एक्सपोर्ट ट्रेड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। आप याद करिए, 18th सेंचुरी का अगर ये क्वेश्चन है तो आपने 18th सेंचुरी के बाद सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है क्लास 7th में, चैप्टर होता है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जिसमें अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब के मरने के बाद जो है वो उस समय में जब अवध, हैदराबाद और बंगाल के जो नवाब और ये सब जो बने थे मनसूबदार वगैरह, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये लोग सेठ लोगों पे डिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है, लोन उनसे लेते थे। उसी में किताब में एग्जाम्पल दिया है जगत सेठ का, फिर आपको भी पढ़ाया गया है निटियार, चौटियार, ये सब पढ़ाया गया है ना किताब में, याद करो, मैंने दिखाया होगा, पढ़ाया होगा। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप पहला लिखोगे कि दीज ट्रेडर्स हेल्प्ड एक्सपोर्टर्स बाय फाइनेंसिंग देयर गुड्स, लिख सकते हैं, उनको हेल्प करते थे उनकी गुड्स के लिए फाइनेंस करके। अगला पॉइंट लिख लोगे इसको या समझाएं, बोलो। चलो अगला पॉइंट, दे गेव एडवांसेस टू द वीवर्स एंड कैरीड द वुमेन क्लॉथ टू द पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद ब्रोकर्स एट द पोर्ट्स नेगोशिएटेड विथ दीज मर्चेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर दो क्वेश्चन थे और ये दूसरे क्वेश्चन को लेके ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली आप लिखोगे कि द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स प्लेड वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड इन 18th सेंचुरी बाय फाइनेंसिंग द नीड्स ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ट्रेडर्स हु यूज्ड टू डू वीविंग एंड अदर प्रोसेसिंग्स विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन कंट्री साइड द बैंकर्स ऑल्सो फाइनेंस दोज ट्रेडर्स हु नीडेड ह्यूज सम ऑफ मनी टू फाइनेंस देयर बिजनेस इन सिटीज एंड कंट्री साइड बोथ। समटाइम्स व्हेन ट्रेडर्स गॉट डेप्टेड दे वेंट टू दीज बैंकर्स लाइक जगत सेठ, नौटियार, चेटियार टू गेट देयर फाइनेंसेस। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। देखो जॉबर्स आया हुआ है, देखो जॉबर्स को कैसे पूछा था 2018 में, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जॉबर्स इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ इंडिया। कितने लोग आंसर दे सकते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जॉबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ इंडिया। अरे सिंपल है, हमने थोड़ी देर पहले जो बात की वही तो इसका आंसर है। जॉबर करते क्या थे, जॉबर जॉब्स लगवाते थे, किसकी, इंडस्ट्रियलिस्ट की,
जो विलेज से, जो विलेज से लोग जाते थे किसी भी, अब सूरत डेवलप हुआ, मुंबई डेवलप, बॉम्बे डेवलप हुआ, तो बॉम्बे कैसे डेवलप हुआ, बॉम्बे के आसपास, बॉम्बे जो डिस्ट्रिक्ट था उसके आसपास के लोग जो है वो जाते थे वहां पे। उस समय तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उस समय बॉम्बे क्या था, प्रेसिडेंसी, बट वो जो जिला था उसके आसपास के लोग आते थे, उन सभी लोगों को क्या देते थे, वो लोग जॉब दिलवाते थे। एक पॉइंट ये लिख दोगे, दूसरा लिख दोगे, दे रिसीव्ड गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स फ्रॉम दोज हु वांटेड जॉब्स, ठीक है। द पीपल हु ऑलरेडी वर्कड इन द फैक्ट्रीज वांटेड टू गिव जॉब्स टू देयर एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंस मतलब जिसको हम जानते हैं, हमारे जान पहचान का व्यक्ति, उसको इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ते हो आप, ही इज माई एक्वेंटेंस, पढ़े होंगे जरूर इंग्लिश लिटरेचर में, आज तक ये वर्ड एक्वेंटेंस जरूर आया होगा, नहीं आया होगा इसका सवाल ही नहीं है, नहीं आया तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं फिर अच्छे से। एक्वेंटेंस इंग्लिश में जरूर आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ये वर्ड इंग्लिश लिटरेचर से ही सीखा है, एक्वेंटेंस, समझे, ये वर्ड जरूर होता है। चले कोई बात नहीं, हो सकता है जब आया होगा आप लोगों ने इसको कठिन समझ के पास आउट कर दिया होगा, आपने सोचा होगा चलो ये तो टफ है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे। एक और देखो अच्छा क्वेश्चन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से एक जाना पहचाना सा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द वर्कर्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन। बोलो ये लिखना आसान है या मुश्किल है, एक बात बताओ, विक्टोरियन इंग्लैंड मतलब विक्टोरिया रानी का जब शासन था इंग्लैंड में, उस जमाने का इंग्लैंड, क्या वहां पे वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होगी, नहीं। क्या सबको जॉब बड़ी आसानी से मिलती होगी, भूल गए वो लेसन में मैंने जो पढ़ाया था, दो तीन दोस्त चले थे, रास्ते में पैसा खत्म हो गया, कभी शेड के नीचे सोए, वहां पहुंचे तो पता चला जिस व्यक्ति को ढूंढते हुए गए वो व्यक्ति मिला नहीं, जॉब उसी को मिलती थी, किसको, जिसका कोई एक्वेंटेंस होता था। अब तो याद हुआ एक्वेंटेंस, जिसका कोई एक्वेंटेंस होता था, ठीक है, उसी को जॉब मिलती थी। और जो वर्कर्स थे उनको रहने की स्थिति याद करो, तुम्हारी किताब में एक फोटो दिया हुआ है जिसके अंदर एक क्या कहते हैं कि बैलगाड़ी टाइप से बनी हुई है, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉटेज, एक मिनट ये देखो तो ये सामने सामने ये कौन सी इमेज है, वही है क्या, ये ऐसे दिखाओ तो, अरे वाह एकदम ईश्वर श्री राम हमारे साथ है। पहला पेज तुमने खोला और वो पहली पिक्चर ही मिल गई, पेज नंबर बताओ सबको, 85। देखो 85 पे लाइफ ऑफ द वर्कर्स, ये टॉपिक भी है ना किताब में, है ना जी टॉपिक, तो आप देखो लाइफ ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की लाइफ जो है वो कितनी मुश्किल होती थी, किस तरीके से वो गुजारा करते थे, और इंग्लैंड या जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वो आज की तरह इतने सुसज्जित और इतने समृद्ध, समृद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरस, समृद्ध को क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरस, सब वर्ड नहीं जानोगे तो क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखोगे, तो प्रॉस्पेरस एमिनेंट माने इंपॉर्टेंट, सब्सिक्वेंट मतलब, सब्सिक्वेंट मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंजेस आते हैं, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, शाबाश कंटिन्यूअस, अच्छा सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, चलो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसको लिख दोगे लाइफ ऑफ द वर्कर कैसी थी उस समय। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, राइट एनी थ्री रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन मर्चेंट्स इन 19th century, इंडियन वर्कर्स नहीं, इंडियन, तो ब्रिटिश ने हमारे बिजनेस को लिबरलाइज किया था या बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बना दिया था, क्रिटिकल किसके लिए बनाया था,
मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, वर्कर्स के लिए नहीं, वर्कर्स के लिए भी तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया। कौन से प्रोडक्ट पे? रॉ मटेरियल पे कि फिनिश्ड गुड पे? रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे बढ़ा दिया कि फिनिश्ड गुड पे? फिनिश्ड गुड पे बढ़ाया। रॉ मटेरियल तो खूब जाता था, डबल हो गया था। अरे सब सब पढ़े हुए हो तुम लोग, सब पढ़ाया तुम लोग को, एक एक लाइन, एक एक लाइन पढ़ाया ना जी। फिर एट में भी यही चीज पढ़ते हो, टेन में भी यही चीज पढ़ते हो। चलो ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ आप लोग। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज इनकरेक्ट फॉर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है आपका कि इन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। ऑप्शन बी, स्पिनिंग, कार्डिंग, डाइंग, वीविंग वाज डन इन होम, इन होम्स। थर्ड पॉइंट, वर्क वाज डन इन द वेयर हाउसेज बाय द हेल्प ऑफ मशीनरी। तो थर्ड क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलो मैंने फोर्थ ऑप्शन फॉल्स नहीं दिया, नहीं तो आप समझ जाते हो कि तीन हो गया तो फोर्थ ही सही होगा।